पैलेस में हो या फिर रोड के आसपास, आप हर जगह इंटरलॉक टाइल्स लगी हुई देख सकते हैं। तो इससे आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंटरलॉक टाइल्स की डिमांड बहुत ज़्यादा है और आने वाले समय में इसकी डिमांड और भी बढ़ेगी। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि अगर आप इंटरलॉक टाइल्स का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको कौन कौन सी मशीनें चाहिए होंगी, कौन कौन सी मशीनों की ज़रूरत पड़ेगी, और अगर आप इस काम को छोटे स्तर पर शुरू करना चाहते हैं तो कितना खर्चा होगा, और अगर आप इस काम को बड़े स्तर पर शुरू करना चाहते हैं तो आपका कितना खर्चा होगा। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों अगर छोटे स्तर पर इस काम को शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एक सीमेंट मिक्सर की ज़रूरत पड़ेगी। तो छोटे स्तर पर काम शुरू करने के लिए आप इस तरह का एक छोटा सीमेंट मिक्सर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक इलेक्ट्रिक सीमेंट मिक्सर है जो कि बिजली की मोटर से चलता है। तो और इसकी दोस्तों कीमत जो है वो 22,000 रुपए से शुरू हो जाती है, और जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे कीमत बढ़ती जाएगी। इसकी मदद से आप कंक्रीट और कलर को मिक्स कर सकते हैं टाइल्स बनाने के लिए। अगर आप बड़े स्तर पर काम शुरू करना चाहते हैं तो आप एक बड़ा हैवी ड्यूटी सीमेंट मिक्सर इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों इस तरह के सीमेंट मिक्सर को डीजल इंजन की मदद से चलाया जाता है और इसकी कीमत 50,000 रुपए से शुरू हो जाती है। और अगर आप बड़े स्तर पर काम शुरू करना चाहते हैं तो इस तरह का सीमेंट मिक्सर आपके लिए बेस्ट रहेगा। इस काम में दोस्तों एक आपको वाइब्रेटर मशीन खरीदनी होगी। इस मशीन का काम होता है जब आप सांचों में सीमेंट को भरकर इसके ऊपर रखेंगे तो ये मशीन जब वाइब्रेट करती है तो जो सांचों में सारा का सारा सीमेंट जो होता है वो कंक्रीट होता है वो फैल जाता है और टाइल का साइज जो है बिल्कुल परफेक्ट साइज बनता है। तो इस तरह की मशीन की कीमत जो है 50,000 रुपए से शुरू हो जाती है, और ये इस काम के लिए, इस बिजनेस के लिए ये मशीन एक ज़रूरी मशीन है और ये बिजली से चलती है। इसके अलावा दोस्तों आपको पीवीसी सांचे खरीदने पड़ेंगे। आप अलग अलग डिज़ाइन के सांचे खरीद सकती हैं। अगर आप छोटे स्तर पर काम शुरू करना चाहते हैं तो 500 सांचों से काम शुरू कर सकते हैं। अगर आप बड़े स्तर पर काम शुरू करना चाहते हैं तो जितने बड़े स्तर पर आप काम शुरू करना चाहते हैं उतने ज़्यादा आप सांचे खरीद सकते हैं। तो अब बात करते हैं इस काम के अंदर मार्केटिंग की, यानी कि आपने अपनी टाइल्स को आपने किस तरह से बेचना है। तो दोस्तों आप सबसे पहले अपनी जो लोकल न्यूज़पेपर है उसके अंदर आप एडवर्टाइजमेंट दे सकते हैं अपनी। इसके अलावा आपके इलाके के जितने भी बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर्स हैं आप उनके साथ संपर्क में रहें, और साथ ही आप आर्किटेक्ट्स के संपर्क में रहें जो कि आपको अच्छा काम दिलवा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर